हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जयास क्रिएशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये पेन पेंसिल होल्डर। सो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अगेन वेस्ट कंटेनर्स यूज़ किए हैं, जो कि एक मिल्कमेड का है, एक टी का बॉक्स है और एक ये वॉच का बॉक्स है, और दो कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने ये जूट फैब्रिक की A4 साइज़ की शीट्स आती हैं, ये मैंने ली हैं। सो ये अमेज़ोन पे और इजीली अवेलेबल हैं। कंटेनर्स को कवर करने के लिए मैंने यहाँ ये जूट शीट ली है। सो सबसे पहले हम इसे मेजर करके कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये शीट्स अपने कंटेनर के अराउंड कवर करनी है। कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल फैब्रिक ग्लू या फिर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कंटेनर्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हमारे कंटेनर्स कुछ इस तरीके के लगेंगे। नाउ अब जो हमने ये कार्डबोर्ड की शीट्स लिए हैं, इन्हें आपस में दोनों को स्टिक करके थोड़ा सा थिक बना लेंगे, और इसे भी कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर जूट फैब्रिक की ये शीट ली है। सो इसका लुक कुछ ट्रे के जैसा हो जाएगा। तीनों कंटेनर्स को अब यहाँ पर सेट कर लेंगे अच्छे से, और जो कंटेनर का ये बैक वाला पार्ट है इसको हम पीछे रखेंगे जहाँ पर हमने फैब्रिक स्टिक किया था। तो सबसे पहले हम लगा के देख लेंगे कि कहाँ पर हमें लगाना है, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। जूट शीट से कवर हो जाने के बाद हमारे कंटेनर्स कुछ इस तरीके से लगेंगे। नाउ मैंने यहाँ पर एक ये जूट रूप ली है, इस जूट रूप से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके बॉर्डर्स में लगा लूँगी, जैसे यहाँ पर जो भी मेस है वो थोड़ी सा छिप जाए और ये देखने में नीट लुक दे हमें। सो मैं इसे आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से कवर करूंगी। जूट रोप लग जाने के बाद हमारे कंटेनर्स कुछ इस तरीके से लगेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से स्टिक हो चुका है, मैंने इसके बॉर्डर पे भी लगा लिया है। सो एक ट्रे का जैसा लुक आ रहा है इसमें। नाउ मैंने अभी कुछ इस तरीके से फ्लावर्स जैसा बनाया है इसमें स्टिक करने के लिए, सो दैट कि ये और ब्यूटीफुल सा लगने लग जाए। सो ये कम्प्लीटली आपकी क्रिएटिविटी पर है, आप जो भी इसमें डिज़ाइन बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं ईजिली। मैंने बहुत ही सिंपल आपके साथ शेयर किया है, जिससे बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकें। नाउ मैंने यहाँ पर दो मिरर्स लिए हैं, इन मिरर्स को इसमें बीच में स्टिक कर लेंगे, और अपने दोनों और कंटेनर्स में भी देखिए मैंने फ्लावर को स्टिक कर लिया। और लग जाने के बाद हमारा जो ये पेन पेंसिल होल्डर कम मेकअप ब्रश होल्डर है, इस तरीके से लगेगा। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।